अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो क्या होते यार? अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो भैया मेरी मदद कर दो, एक दो दिन से कुछ भी नहीं खाया। शादी का क्या सीन है फिर आपका? अरे वालिदैन से बढ़ गए ना इस दुनिया में कोई नहीं, तो इसलिए शादी करें और वालिदैन बन जाए। चले तू, इंसान इंसान को डस रहा है और सांप बेटा हंस रहा है। बड़े फनी बंदे हो, रियल लाइफ में भी ऐसे हो? यार रियल लाइफ में जो हूँ ना मैं बिल्कुल शाय बंदा हूँ। यार अब अपनी एंडिंग बताओ, मतलब आपकी एंडिंग का क्या सोर्स है? अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? पोस्ट कार्ड की दुनिया में आ गया एक नए राजा जिसका नाम है आदिल राजा। आज हमारी है पहली पॉडकास्ट, तो हमने सोचा कि ऐसे बंदे को बुलाया जाए जो बड़ा मेहनती है और वो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो बुलाएंगे उनको हम इस शेर से, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, जहाँ किसी की सेटिंग होने लगे वहाँ फसाद फैला दे, खाली पेट रहने से हो जाता है फाका। आज हम बुलाने जा रहे हैं D4 धमाका। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जो आप तशरीफ लाए। थैंक यू किस बात का, आपने तो पैसे दिए बुलाने के, आना तो फर्ज है ना फिर मेरा। अरे आप राज नहीं खोलो। तो मैं क्या खोलूँ आपका, आप खुद ही बता दे। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि हम अभी ऑफ कैमरा बैठे हुए थे, तो दानियल भाई बड़े हम्बल हैं, मतलब कोई गुरूर नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं। तो कैसे दानियल भाई? यार घमंड किस बात का, एक रात ऐसी भी आएगी जिसका कभी सवेरा नहीं होगा। दानियल भाई एक सेल्फी। हर जगह आ जाए तो तुम सेल्फी लेने के लिए नजर नहीं आ रहा है? हम लोग लाइव जा रहे, पॉडकास्ट चल रही है, इधर हर जगह सेल्फी लेना है। तो दानियल भाई हम लाइव है, क्या कर रहे हैं? लाइव जा रहे हैं। अरे तुम साथ बैठ, मैं मना नहीं कर रहा इसको सेल्फी लेने का, मैं कह रहा हूँ ये अपना छोटा वाला मोबाइल फेंक फेंक इसको, ये वाले आईफोन से ले मेरे सेल्फी, दे अपने ही तो हैं आप, और कौन है? क्या ये बताएं कि आपकी कोई जीएफ है, मतलब आपकी आपको कोई पसंद है? यार हम अपनी अम्मा को अच्छे नहीं लगते, उसकी अम्मा को क्या खाक अच्छे लगेंगे। मुझे तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। अच्छा लग रहा हूँ क्या मतलब? बेटा अगर अच्छा लग रहा हूँ ना तो घर जाके बात करना अब इस सिलसिले में। दानियल भाई ओह सॉरी भाई, बोल सकता हूँ क्या आपको? भाई बोल सकते हो? अरे भाई से पहले कुछ और भी लगा दो। क्या मतलब? मतलब कि भाई से पहले बड़ा भाई लगा दो और बाकी जो तुम समझ रहे हो वो भी ठीक है। अच्छा बड़े भाई, सवाल कर रहा था आपसे कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है। यार तुम्हें पता है चश्मिश बंदे की जिंदगी कैसे चलती है? पैदा होता है, पूरी जिंदगी इसमें लगा देता है कि यार मेरा चश्मा किधर है, चश्मा नहीं मिल रहा, एंड येट वो मर जाता है। अच्छा। इंसान इंसान को डस रहा है और सांप बेटा हंस रहा है। मैं आपकी वीडियोस में देखता हूँ कि आप कराची के मसलों पे बहुत बात करते हैं, आपको कराची के निजाम से क्या मसला है? यार मैं अपने शहर की क्यों ना बात करूँ, मेरा कराची में पैदा हुआ, कराची में बड़ा हुआ, कराची शहर मेरा शहर, इस पे ही बात करूंगा। यार आपको पता है कराची में से जो सबसे तेजी से काम होता है वो क्या है? सदर में अगर आप बाइक खड़ी करके जाओगे तो 2 मिनट में आपकी बाइक यूं उठेगी, ये सबसे तेज होने वाला काम। दानियल भाई आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? यार मेरे सोचने से क्या होगा, मैं कौन होता हूँ सोचने वाला? होगा तो तब जब वो कौन कहेगा, जब वो कौन कहेगा तो वो हो जाएगा, सारे काम यूं हो जाएंगे। शादी का क्या सीन है फिर आपका, कब कर रहे हैं शादी? जिस तरीके की सूरत हाल चल रही है ना, लग रहा है कि हमारे दौर में जो है हुकूमत हमारी सलामियां वसूल करेगी। बात तो सही है। अच्छा मतलब आप शादी करेंगे? हाँ जरूर करेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा कि आप शादी क्यों करेंगे? यार वालिदैन से बढ़ के ना इस दुनिया में कोई नहीं, तो इसलिए शादी करें और वालिदैन बन जाए। चले तू। अच्छा आप ये बताओ, आपने आस्तीन के सांप पाले? हाँ यार पाले में, बेशक मेरे सारे दोस्त लगते तो जानवर है लेकिन है तो मेरी जान। अच्छा आप अपने घर वालों के बारे में बताओ कि कौन कौन है और कैसे हैं? यार मोबाइल चार्ज पे लगा के कोई तकरीबन 10-15 मिनट में घर वालों के साथ बैठा हूँ, अच्छे लोग थे। मस्ती कर रहे हैं तो बाद आ जा, तू बड़े आराम मौत मना है। यार आप बड़े फनी बंदे हो, रियल लाइफ में भी ऐसे हो? यार रियल लाइफ में जो हूँ ना मैं बिल्कुल शाय बंदा हूँ, अपने काम से काम रखने वाला बंदा हूँ। देखो आपकी पॉडकास्ट पे भी मैं आया हूँ, अपना काम करूंगा, आपसे पैसे लूंगा, चुपचाप घर निकल जाऊंगा, बिल्कुल शाय बंदा हूँ, कोई एटीट्यूड नहीं। यार एटीट्यूड किस बात का? यार अब अपनी अर्निंग बताओ, मतलब आपकी अर्निंग का क्या सोर्स है? यार अर्निंग में आपको क्या बताऊंगा, वो आल्टो जितने तो नहीं है लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जितनी भी हो जाती है अल्लाह का शुक्र है। ओह माय गॉड, अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो क्या होते? यार अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो भैया मेरी मदद कर दो, एक दो दिन से कुछ भी नहीं खाया। भैया जूते खरीद लो, मैं आपको सिर्फ 100 रुपए में दे दूंगा। अगर यूट्यूबर नहीं होता तो मैं गरीबों को यूं यूं पैसे बांट रहा होता। भैया मेरी मदद कर दो, एक दो दिन से कुछ भी नहीं खाया। शूज का शोरूम होता, शूज का मेरा शोरूम होता। भैया जूते खरीद लो, मैं आपको सिर्फ 100 रुपए में दे दूंगा। बहुत अमीर आदमी होता मैं अगर यूट्यूबर नहीं होता। यार मैं देखता हूँ कि आप अपने वीडियो के एंड पे नसीहत करते हैं या मैसेज देते हैं, ऐसा क्यों? यार
ऐसा है ना कि छोटे जहनों में हमेशा ख्वाहिशें रह जाती हैं और बड़े जहनों में हमेशा मकासिद हुआ करते हैं। मेरा मकसद, मेरा जहन बहुत बड़ा है। मैं ऐसा है ना कि मैं अपनी वीडियो में इसलिए वजह से करता हूँ कि मैंने बचपन में एक नारा लगाया था और उस नारे पे मैं अमल करता हूँ। इसलिए मैं अपनी वीडियो के एंड में हमेशा मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस हो ना उसकी इसलाह हो, मतलब उसको कोई मैसेज मिले। वो नारा क्या था वो आप सुन लें, आपको तो पता होगा, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह अज़्जवजल। ये नारा लगाया था, बस इस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। यार ऐसा है ना, मेरे पास घर से अभी कॉलें आ रही हैं, आपके सवाल भी बहुत ज़्यादा होगा, तो ये अभी पॉडकास्ट का यहाँ पे क्लोज करो, बंद करो और मेरा बैग दे दो पैसा वाला, ठीक है।